बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी जारी है। 3 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आदित्य सिंह हरदा के नए कलेक्टर बनाए गए हैं, शैलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा के कलेक्टर बनाए गए। मनोज पुष्प अपर सचिव सामाजिक न्याय विभाग में उन्हें जगह दी गई है। अभिनव चौकसे हरदा के नए एसपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस शशांक को राजभवन भेज दिया गया है, राज्य शासन ने ये आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी की ओर। प्रभु जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की गई और हाल ही में हमने देखा था हरदा हादसे के दौरान जहां कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया, वहां पर भी नियुक्ति हो गई है। जी बिल्कुल, दोनों जगह हरदा का कलेक्टर और एसपी दोनों को बदल दिया, हटा दिया था और आज नई पोस्टिंग हो गई है। आदित्य सिंह जो 2014 बैच के अफसर हैं, नए अधिकारी हैं, उनको जो डिप्टी सेक्रेटरी अभी थे मंत्रालय में, उनको हरदा का कलेक्टर बनाया गया है। अभिनव चौकसे को हरदा का एसपी बनाया गया है। ये राज्यपाल के डीसी हुआ करते थे और यहाँ से उनको भेजा, ये भी युवा अधिकारी हैं, तो युवा अधिकारियों के हाथ में हरदा की कमान सौंपी गई है। इसी तरीके से छिंदवाड़ा, जो कि खासा महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से बीजेपी के लिहाज से जिला है छिंदवाड़ा, जहाँ की लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सीट जीतने का पूरी तैयारी कर रही है, वहाँ शीलेंद्र सिंह को छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है, जो कि अपर सचिव सामाजिक न्याय विभाग हुआ करते थे मंत्रालय में अभी, और उनको वहां भेजा गया। मनोज पुष्प जो हरदा कलेक्टर छिंदवाड़ा कलेक्टर थे, उनको मंत्रालय में लाकर अपर सचिव जिम्मा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हरदा का, कि मुख्यमंत्री गए थे हरदा में जो विस्फोट होने के बाद, तो वहां पर उनने पाया था कि वहां पर जो है प्रशासनिक लापरवाही हुई है, जो फैक्ट्री की जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से फैक्ट्री चलती रही, तो उसके चलते वहां की कलेक्टर और एसपी दोनों को हटा दिया गया था, वहां पर नई पद स्थापना आज कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमें तमाम जानकारी देने की। देखिए, एक अहम निर्णय यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है और एक बड़ा फेरबदल किया गया। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की गई, जहाँ 3 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया, 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आदित्य सिंह हरदा के नए कलेक्टर बनाए गए हैं, युवा को कमान सौंपी गई, शैलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा के कलेक्टर बनाए गए, मनोज पुष्प अपर सचिव सामाजिक न्याय विभाग और अभिनव चौकसे हरदा के नए एसपी बनाए गए हैं।